नमस्कार दोस्तों, श्रावक एजुकेशन ग्रुप में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, रिट लेवल 2 के अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जिनका अभी कुछ अंकों से रह गए थे, सिलेक्शन नहीं हुआ था, उनके सिलेक्शन होने के पूरे पूरे चांस हो चुके हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अपन ये रिट लेवल 2 भर्ती साइंस मैथ की स्टूडेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिनसे संबंध में आज एक बहुत बड़ी खबर आई है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे भर्तियों से संबंधित जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन होंगे वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएं। दोस्तों, अब अपन वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज की न्यूज़ क्या है। तो दोस्तों, इसमें साफ लिखा हुआ है, अध्यापक भर्ती 927 में से 850 ने नहीं किया ज्वाइन। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ज्वाइन मात्र 77 विद्यार्थियों ने ही ज्वाइन किया है, बाकी ज्वाइन नहीं किया है। तो वेटिंग आना तय है, वेटिंग कब आएगी, कितने विद्यार्थियों की आएगी, कितनी वेटिंग लिस्ट आएंगी, वो सारी बातें अपन इस वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों, इसमें साफ लिखा है, शिक्षा विभाग जारी नहीं कर रहा वेटिंग लिस्ट। तो मैं आपको ये पूरी खबर बताता हूँ। प्रारंभिक शिक्षा विभाग में 3 साल पहले निकली गई तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2016 के सेकेंड लेवल में विज्ञान और गणित के 927 पदों में से 850 पद खाली हैं। पदों पर चयनित अभ्यर्थियों ने ज्वाइन नहीं किया। पद खाली होने के बावजूद अधिकारी वेटिंग लिस्ट जारी नहीं कर रहे। विभाग ने 2016 में 3 जिलों के लिए भर्ती निकाली थी, जबकि तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2018 में सभी जिलों विज्ञान गणित के 5,500 पदों पर भर्ती निकाली गई। दोनों भर्तियों में विज्ञान गणित के चयनित की नियुक्ति पर रोक थी, लेकिन अभ्यर्थियों ने ज्वाइनिंग नहीं किया। 2016 में चयनित अधिकांश अभ्यर्थियों का 2018 की भर्ती में चयन हो गया और अधिक जिलों में भर्ती होने की इच्छित जिला भी मिल गया। और राजस्थान बेरोजगार संघ के अध्यक्ष दीपेंद्र शर्मा का कहना है कि भर्तियों पर कोर्ट के एक साथ रोक हटी थी, इस कारण अभ्यर्थियों ने एक में ही ज्वाइन किया। अधिकारी दूसरी भर्ती शुरू होने पर पुरानी भर्ती प्रक्रिया बंद होने का हवाला देते हुए 2016 की भर्ती के पद नहीं भर रहे। शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि अधिकारियों से तथ्यात्मक रिपोर्ट ली जाएगी। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, यह रीट लेवल 2 की भर्ती से संबंधित मामला था, जिसमें 927 में से 850 ने ज्वाइन किया है। तो दोस्तों, इसमें वेटिंग आने के पूरे पूरे आसार हैं। तो वेटिंग आएगी तो कितनी कम कट ऑफ आ जाएगी, उसका आप अनुमान भी नहीं लगा सकते, क्योंकि इसके बाद में एक और बड़ी भर्ती हो चुकी है और उसकी कट ऑफ तक वेटिंग लिस्ट आएंगी, तब तक कोई स्टूडेंट उनको मिलेगा नहीं। तो दोस्तों, वेटिंग काफ़ी अधिक वेटिंग आएगी, क्योंकि 5,000 से अधिक विद्यार्थी जो 2018 की भर्ती में जो चयनित हो चुके हैं, उनकी वेटिंग पहले आएगी, क्योंकि जो चयनित हो चुके हैं उसकी कट ऑफ कम है। जो 5,000 सीटें थी उनकी कट ऑफ कम आई है, तो 2016 की कट ऑफ भी उस कट ऑफ तक लेके आनी पड़ेगी। जिसमें से किसी विद्यार्थी ने ज्वाइन नहीं किया है, कोई भी विद्यार्थी रह गया है, तो उसका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाएगा, अन्यथा ये सीटें खाली जाएंगी और दोबारा से इसकी वेटिंग आती जाएंगी। इसकी कम से कम 4 या 5 वेटिंग आने की पूरी पूरी संभावना है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, क्योंकि दोनों भर्तियों का तरीका अलग हो गया, क्योंकि उसके बाद में एक भर्ती और हो चुकी है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, तो इसमें कट ऑफ बहुत कम आने के आसार हैं। जो विद्यार्थी 2 या 3 नंबर से रहे थे, उनका सिलेक्शन होने के यहाँ पर पूरे पूरे आसार हैं। दोस्तों, यह आज की बड़ी खबर थी जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप देख सकते हैं, ये वेटिंग आने के पूरे पूरे आसार हैं। 850 विद्यार्थियों का इसमें चयन होना भी बाकी है 927 में से। आपको बता दूं, 2016 की जो भर्ती हुई थी उसमें मात्र 3 ही डिस्ट्रिक्ट की सीटें थी, जयपुर की थी, एक करौली की और एक बाड़मेर की सीटें थी, जो कि बहुत ही कम विद्यार्थियों ने वहाँ पर ज्वाइन किया है। आप देख सकते हैं, इसीलिए वजह से सीटें खाली रहेगी। और जो 2018 की जो भर्ती थी वो सभी 33 जिलों के लिए थी, तो सभी ने इसमें ज्वाइन किया, क्योंकि उनकी होम डिस्ट्रिक्ट या उनके नज़दीक मिलने के आसार ज़्यादा थे, इस वजह से उन्होंने ज्वाइन किया। और 2016 में मात्र 3 ही जिलों में भर्ती होने की वजह से विद्यार्थियों ने ज्वाइन नहीं किया, तो इसके वेटिंग आने के पूरे पूरे आसार हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।